হবে ভালো জি আই দেখেন बैठ गई है किस वास्ते वापस तू कर और उसकी जुक्ति लैंड के बाद
करे सब कुछ खड़े करते तो सब पुरुष वही है जिसका समुद्र है और उसकी लहर है और लहर जब ऊंची उठती है अपनी नादित तो जेरे उसके किनारे पे बैठे हुए चली जाती सही सुखे रहे हालांकि लोग किनारे पे बैठे हुक्म ऐसा लेकिन वो लहर जब समुद्र में भी जानती है तो समुद्र का ही रूप बन जाती है इसे करके क्या जानता है कि सब पुरुष जेरे ने संत जेरे आए ने गुरु जेरे आए ने तो उसको मालिक दी आज ज्योति आज धार तो ही केवल एक लहर बन के आए और आगे संसार में जीवन चला इस वाणी का मकसद है कि जिसने दे नाम जप लिया सतगुरु की शरण पकड़ी उन्होंने तो अपनी जन्म को सफल कर लिया और जिन्होंने मन और माया के खेल दे विच अपनी सोच नू बुला दिता भी तेरा असली मकसद की सी संसार च आउण दा तो जन्म फल मरण के चक्कर दे विच 84 लाख योनी तुसीं इमेजिन करो 84 लाख गेड़ा एक चारे पासे दरवाजे हो 84 लाख और एक दरवाजे जो तुसीं अगर मिस कर दे आओ तो ऐसा लंघना पावे कि किन्ने दरवाजे क्रॉस करके जो पास फेर तो सब कुछ कहने में ऋषि मुनि संत पैगंबर आलिया जिन्होंने उस कुल मालिक ने याद किया है बंदगी की है उन्होंने इस दही दूध सफल कर लिया है इस जन्म को सफल कर रहे हैं ये महाराज जी की वाणी थी जिसका कि मैं तुम्हें बुक सर एक्सप्लेन की सर ब्रीफली वो छोटे को छोटा बना के आज ये महाराज का जन्म दिन ये महाराज जी की लिखी वाणी है और महाराज जी की याद का दिन है कबीर साहब कहते हैं कबीर जब हम पैदा हुए जब ऐसे हम रोए कबीर ऐसे करनी करते हो हम हंसे जब रोए सब कुछ कहने नहीं कि इस तरह हमने जाना अपना जिंदगी से बनाओ ऐसे अच्छे कर्म बीतो उस मालक की याद उसकी इबादत के बीच अपना टाइम गुजारो बाकी संसार के कारण संसार के जो ड्यूटियां सड़िया बनती है बच्चों वास्ते पत्नी वास्ते बाल बच्चों वास्ते वो एक साइड है एक साइड बिजनेस है उधर करो उन्होंने सब कुछ नहीं रोकते वो तो कहते ही नहीं तुम तैयार करके सब कुछ जंगली चले जाओ अब तू भूले तो कर लाए तो जन हमको भाई बन के गए कल्पना मुझे तब यू कहा समाए भी ठीक है तेरा दिल करता बंदगी कर तो कहना मैं जंगली जाके करांगा क्योंकि घर बार तेरा मैं डिस्टर्ब कर दें लेकिन अगर बाहर जाके भी तेरे मन ने उसने ही कल्पना की थी उसने ही रचना की थी फिर तो कितने जाए सब कुछ सही है फिलोसफी नहीं है सब कुछ देने संसार इत रह के संसार के बीच सारी ड्यूटियां पूरी करो दुख भी करो बर्दाश्त करो और अपने निज मन को उस मालक के बीच लगा के जिन्हें कमल किचड़ छिपिया होता उससे उससे किसी किस्म की किचड़ का असर नहीं होता इस तरह ही संसार च रह के संसार च लिप्त रहो जे तुसी लिप्त हो गए फिर तुसी आप टुक गए जे तुसी किस तरह मालक को याद कर सकते ये महाराज जी की वो वाणी है उसका साथ आज का सत्संग ही मधुर महाराज जी के अपने लिखित से मतलब से होगा और प्रवचन माता जी के अरे मधुर दिनो सारी कर जिन्हें याद कर गुनु मित ना हो तन्हे बजोद नु खाली कर ले जे यार बेद नु मंगल ना हो महाराज जी